जो ना ऐसे ही बनाए गए हैं और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जो ना जगह बनाई गई है। देखो हाँ बहुत अच्छी लग रही है यार, देखो मिठाई खुशी देख रहे चाचा की, चाची के आने के चक्कर में यार क्या लाए हो? हाँ आज बना के लाए हो, मुझे खिलाओगे? खाऊं मैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैर वाफियत से होंगे। और भाई आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम डीडी भाई को लेकर जा रहे हैं। डीडी भाई कहाँ चल रहे हैं हम? यार ये पहले फ़ोन उठा रहा भाई, हमने एक नेट पर देखा है 12,000 पर 30,000 40,000 का ना आईफोन जो किमाड़ी में मिल रहे थे, तो दिल पर भाई ने बोला मुझे लेना है, तो वही देखने जा रहे थे, लेकिन अभी फ़ोन भी नहीं उठा। की तैयारी हो रही है और क्या बोलते हैं, डीडी भाई बोल रहे हैं मेरा फ़ोटो लो। तो भाई इनको शौक है नया सूट पहन के एक अच्छी सी चश्मा लगा के ना सेल्फी लेने की, तो मेरी वो आदत नहीं है। मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं आप उसकी तरह क्या करते हो, भाई मेरी ये आदत ही नहीं है तो मैं क्या करूँ। वो जो जैसे जिना है यूँ कर लेते हैं, जब फोटो लो ना फिर ऐसे कर दो, तो मेरी ये आदत नहीं है शुरू से, और उनकी शुरू से ही आ जाता है, मतलब पैदा हुए थे उसी दिन भी सेल्फी लेकर ही आए थे, तो ये ऐसे है, मतलब ये शुरू से सेल्फी लेते हैं। ये इनके हाथ में आप देखेंगे 5 मिनट बाद ना कोई ना कोई फोटो ले रहा होता, तो मैं नहीं लेता। मेरे इंस्टाग्राम पे भी 3-4 दिन बाद जाके कोई, वो भी नैना जा रही तब जाके रुके हम जहाँ पर बोट बेसन पर रुके हैं, और ये पैनियर है साथ में जना जिदा फूड है, तो यहाँ से हम अब आज ना ट्राई करेंगे बिरयानी, जो के देखते हैं कैसा टेस्ट है। तो डीडी भाई कुछ याद है, डिलीवरी का काम करते हैं यहाँ से उठाते थे तो भाई यहाँ पर अच्छा था, ये भी अच्छा है, हर वक्त में ना इंसान को अब जना जिदा बिरयानी भी है और जिदा शारमा भी है, तो वो भी अच्छे चलते हैं, लेकिन वो हमने टेस्ट किया हुआ है, यहाँ का टेस्ट नहीं करता, तो इसका टेस्ट करते हैं। नहीं ये कुछ नॉर्मल भी है ना, वो कुछ है महंगी है सही बोल रहा है भी नहीं महंगी है ये सस्ती है ना बिरयानी यहाँ पर चमचमाती है। ये तीन कांटे क्यों है? ये कांटे जो है ना भैया, अभी इसको जो ना तीन कांटे क्यों, एक एक तो समय दूसरे एक अगर कोई खुदा ना खास्ता मेहमान आ जाता है कुछ आ जाता है उसके लिए, तो कांटे वैसे भी हम इस्तेमाल नहीं करते, मैं तो वैसे भी हाथ से ही खाता हूँ, और हाथ से खाने में अच्छा लगता है, हाथ का टेस्ट आता है, चम्मच से चम्मच भी अच्छा है, लेकिन मैं हाथ से ही खाऊंगा। हाँ क्या हुआ? चिकन इधर है, देता हूँ बिरयानी और रायता ना तब मज़ा नहीं आता, खासतौर मुझे ना, तो मैं इसके ऊपर ऐसे पूरा रायता ही गिरा देता हूँ एक ही टाइम पे। अब जरा ये देखें खा के, पहले खा के थे इसको और भी देता हूँ। फिर से नेक्स्ट मार्केट में आ गए हैं और अभी अंदर जाके देखते हैं कहाँ पर है वो शॉप, उसको हमने नेट पर ही देखा था। वो एसी भी हम लोग यहीं से ले गए थे, यहाँ पर सब कुछ है ना, बाहर ले मुल्क जैसे आते हैं अभी, तो ये देखें हम लोग कहाँ गए, जाना कहाँ था, अभी आ कहाँ गए हम लोग, आ गए हैं पनीर जगह का नाम क्या अंदर जाके बताते हैं, और इस तरफ ये जो हमेशा हम लोग किश्तियाँ वगैरह देखते हैं ना, ये वही जगह है, तो अभी अंदर जाएंगे फिर आपको बताएंगे क्या सीन है अंदर। बाइक लगा दी पर टिकट क्या है इधर किधर क्या पता नहीं क्या हिसाब किधर, पता करो कहीं से क्या हिसाब किधर, ये तो बोट है ना हमें अंदर जाना है, तो भाई यहाँ से सीधा आप अंदर जाएंगे, मतलब यहाँ से अगर आप सीधा अंदर जाएंगे तो अंदर की तरफ ना ये रास्ता सीधा जो ना अंदर जाएगा, उधर जो ना मंदिर है, तो हमें जो ना इस साइड पे जाना है, इधर जो ना पार्क और जो जैसे, तो भाई दिखाना हमें जो ना टिकट मिली है कितने की, 300 की एक टिकट मिली है, जो कि हम सोच कहते हैं कि फ्री में, लेकिन फिर भी देखते 3,000 वसूल होते हैं। अच्छा भाई ये देखो यहाँ पर सीन बहुत है, अभी जो है शायद यहाँ पर जो ना कोई कवाली वगैरह सब कुछ होने जा रहा है ना, और मुझे लगता है यहाँ पर ना कोई फेस्टिवल जो ना चल रहा है, हम लोग तो खैर वैसे ही आए थे, मुझे लगता है मज़ा आने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त भी लोग बनने वाला है। सामने की तरफ आ जाओ दीदी भाई, ये देखें भाई यहाँ पर हमारा कल्चर दिखाया जा रहा है, माशाल्लाह कितनी प्यारी जगह है ना, बहुत ही ज़बरदस्त जगह बनाई गई है, और ये देखें छोटे सा बेबी को भी यहाँ पर रखा गया है, और मुझे पहले तो ये लगा कि जैसे असली बैठे हुए हो ना, लेकिन ये असली नहीं है, ये जो ना ऐसे ही बनाए गए हैं, और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जो ना जगह बनाई गई है। और सामने की तरफ देखें ये सारे मतलब पुतले हुए हैं, हिंद में जैसे दुल्हे मियाँ होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, ये देखें ऐसे, और जो ना दुल्हन बिल्कुल ऐसे की ऐसी होती है, तो सेम वही चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई गई है कि दूल्हे दुल्हन, और जैसे यहाँ पर ना शादियाँ होती हैं तो फिर उनका ये कल्चर, फिर यहाँ पर ये जो मेहंदी लगाई जाती है और नीचे बैठ के ढोलकी की जाती है, ये देखें सामने ये ढोलकी गा रही है, तो ये सब कुछ वही जो ना आपको शो किया जा रहा है, और सामने की तरफ जैसे एक बाबा बैठे हुए हैं, उसके साथ में एक जना बच्ची भी खेल रही है उधर, जना वो लस्सी बनाई जा रही है, जैसे हमने पुराने दौर में ना लस्सी ऐसी बनाई जाती है, तो ये सामने की तरफ जना ये बेनज़ीर है और ये उनकी जना बनाई गई है, तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त काम किया गया यहाँ पर, अभी आगे बहुत कुछ है, आज आपको सब कुछ दिखने वाला है, हमें तो नहीं पता हम लोग वैसे ही आ गए, लेकिन यहाँ पर सब कुछ लगा हुआ है,
और जो भी चैनल पर नए लोग हैं ना वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इधर ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी प्यारी हैं। तो भाई जिसको चाहिए आके यहाँ से ले सकता है, बहुत ही अच्छी चीज़ें ना बनाई। और ये कुछ जो ना सिंध की जो ना मशहूर जैसे होते ना ये वो चीज़ें हैं। और ये सर इनके क्या प्राइस चल रहे हैं, इनकी कीमत क्या चल रही है? 50,000 से लेकर 1,50,000 से लेकर 1.5 लाख के। और ये सब मतलब हाथ से बनाई गई है? जी। ठीक है सर। तो भी कीमत जो ना बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन फिर भी जो ना मैं आपको सबको दिखाता जाता हूँ। और यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर भी देख लें, मतलब सारे जो ना यहाँ पर आपको पूरा कल्चर दिख जाएगा। अभी जो ना हम लोग तो देख रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ये नहीं है, लेकिन सारा जो ना सिंध का फेस्टिवल लगाएगा यहाँ पर ना। तो मैं आपको हर चीज़ जो ना छोटी छोटी सीन मैंने दिखाया जाता है, दिखा देता हूँ आपको। और ये देखें प्लेट्स वगैरह और ये छोटे छोटे कार्टून से सब कुछ ना यहाँ पे लगाया गया है। और आगे भी देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं ना, तो अच्छा चलते हैं। अच्छा भाई ये जो फेस्टिवल है ना ये 3 दिन के लिए लगाया गया है, जिसको आना है आ जाइए। नाम क्या, नाम फिर से मैं भूल गया, तो मैं नाम बाद में पूछूँगा इसका नाम क्या है ना, तो आपको बता दूँगा। 3 दिन है अभी, आज पहला दिन है, इसके बाकी 2 दिन और रहेंगे। और ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त जगह पर, वो देखें झूला भी झूल रही है और साथ में जना इसके काम देखें ये जना काम भी कर रही है। तो बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। ये क्या है, सॉरी नॉट फॉर सेल। अच्छा हाँ, सॉरी नॉट फॉर सेल है। और इधर देखें इधर जना सब कुछ ये अभी पड़े हुए हैं, लेकिन भाई पैसे बहुत हैं, लेकिन सारे मतलब एक ओरिजिनल चीज़ आपको मिलेगी। शायद उसने ऐसे ही बोल दिया आगे जना इससे सस्ते मिल जाएंगे। और ये देखें ये हमारे सिंधी और बलोची ड्रेस जो होते हैं ना ये वो पड़े हुए हैं। ये हम इनके क्या रेट चल रहे हैं, जैसे एक ये सूट है इसका कितने का है? 7,000 का सिला सिला है। तो भाई जिसको लेना ये देखें ये 7,000 रुपये में, और कितने 3 दिन है अभी यहाँ पर, तो ये शायद यहीं पर ही होते हैं, तो आपको जिसको लेना आके ले सकते हैं। बलोची सीट की सूट की सिलाई वैसे बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें बहुत काम होता है। और इधर भी जो है सारा कुछ लगाया गया। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त जगह के काम किया गया, ये सारे हैंडमेड है सर। और यहाँ पर भी कुछ रखा गया है। और ये पनीर क्या है, इनका नाम मुझे नहीं पता। बिल्कुल जो ना जो गांव की जो ना होती है ना वहाँ पे चीज़ें सारी वैसी की वैसी बयान की जा रही हैं। आराम आराम से वहाँ पर दिखा देता हूँ सब कुछ, कितने प्यारे से ना रखा गया इन्होंने। तो ये देखें कैमल के ऊपर सिंधी बाबा बिठा दिया है। और यहाँ पर जो सिंध ये भी उनके कल्चर में आता है सब कुछ, जितनी भी चीज़ें ना ये सारे सिंध की कल्चर में आ रही हैं। तो मुझे जो जो दिख रहा है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर सारी चूड़ियाँ जो है यहाँ पर पड़ी हुई हैं, ये सारी अच्छी हैं। बस देखें सामान पड़ा हुआ है सारा सेल के लिए। ये सर कितने का है, ये 4 पाई? और ये 4 पाई 500, ये 500, ये 500, ये 200। अच्छा जिसको चाहिए अभी मुझे बता दे, कल मैं आज आपको ना यहाँ से लेकर पार्सल कर। अभी 2 दिन लगा हुआ है ना? नहीं हमारा पूरा साल है, पूरा साल रात दिन। नहीं ये फेस्टिवल कितने दिन है? सिर्फ 2-3 दिन है अभी, आज से लगा ना ये पूरा साल लगा पूरा साल। और भाई ये देखें ये लड़की का है, लड़की का है नहीं, अच्छा मुझे तो अच्छा लगा। चलो ठीक है फिर तुम ले लो भाई। मैं ये जो है ना वो हलीमा सुल्तान बन के खड़ा हुआ है भाई। हलीमा इधर देखो, हाँ बहुत अच्छी लग रही है। जो भी रहते हैं ना तो वो आ सकते हैं। ये जो नटी जटी पुल है ना उसके नीचे जो फेस्टिवल है ना ये वहाँ पे लगा हुआ है। और ये सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल जो है ना वो शुरू हो चुका है, तो कराची वाले ज़रूर आए यहाँ पर। और अभी तो शुरू हुआ, रात में जाकर यहाँ पर कवाली और सब कुछ गाने वाने सब शुरू होने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ये कौन सा है ना। तो भाई ये है कुछ इस तरह से, यहाँ ये रहा वो देखो झींगा लला उरु 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 ये भी आए हुए हैं ये सारे। तो इस फेस्टिवल का नाम भी ये रहा जो सामने लिखा हुआ है। अच्छा भाई ये शॉप है 180 में ओनली, कोई भी चीज़ आप लें 180 में आपको मिल जाएगी यहाँ पर। तो हम देखते हैं 180 में क्या क्या है। ये सब कुछ जितना भी ना वो सब 180 में ही है। देखते हैं यहाँ पर भिड़ी भाई क्या लेना है आपको, देख लो भाई देखो सब कुछ 180 में। ये देखें पर्स भी 180 में, और ये सब कुछ जो है ना 180 में इन्होंने लगाया हुआ। अच्छे आ गए हैं इस तरफ जो ना थोड़ी कवाली चलना शुरू हो गई है, वो सामने देख सकते हैं।
थोड़ा आगे जा रहे हैं, पीछे म्यूजिक बहुत है तो आवाज कट रही होगी। अच्छा जी, तो ये रही वो जो हम लोग ढूंढ रहे थे हमेशा, कितने ना कि हमेशा आएंगे इस तरफ, लेकिन आज हम फाइनली आ गए हैं, वो भी बातों बातों में आ गए हैं। रोज हमेशा वहां से देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, वो वहां से देखते जैसे वो देख रहे हैं, लेकिन अंदर तो एक और ही मजा है ना। और सामने की तरफ ये देखें सारे बोर्ड्स वगैरह लगे हुए, जो ना होटल बनने की तैयारी चल रही है। और इधर जो ना मैं बैठ सोच रहा हूँ, दो मिनट बैठ जाता हूँ, कब से चल रहा हूँ, थक गया हूँ मैं तो भाई। अभी मैं फिलहाल के लिए गया हूँ थोड़ा सा थक, और मैंने डीडी भाई को बोला कि अभी बैठते हैं यार, थोड़ा थोड़े बैठ जाए करो यार, हाँ रेस्ट एंड पीस ना हो जाओ, बस रेस्ट करना है। तो यहाँ पर अभी हम बैठे हुए हैं, सामने की तरफ कुछ ऐसे मंजर दिखे सारे जो ना पोर्ट्स वगैरह, और बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन यार बच्चे वगैरह नहीं है तो नेक्स्ट टाइम उनको लेकर आएंगे। हम लोग तो वैसे ही आए थे कि ऐसे ही चेक करते हैं कैसी जगह ना, फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे। तो हमें तो बहुत मज़ा आया, अगली बार जो ना सितारा भी आ जाएगी, फिर सबको लेकर आएंगे। आगे चलें क्या? नहीं थक, बैठ बैठ के अभी गए थक, तो अभी हम चलते हैं घर की तरफ, बाकी फेस्टिवल को बोलते हैं बाय बाय। अगर दिल हुआ तो कल भी आएंगे, परसों भी आएंगे, तो नहीं आएंगे फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे अभी सारा प्रोग्राम जो ना जारी है अभी फिलहाल के लिए ना, तो ये ऐसे है कुछ, सब आ सकते हैं, मैं तो बोलता हूँ सब आओ यहाँ पे, इन्जॉय करो अभी ये यहाँ पर सारे कवाली वगैरह जो सिंधी गाने और ये सब कुछ शुरू होने वाले हैं, तो जो लोग बोर हो रहे हैं वो आके यहाँ पर इन्जॉय कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, और जैसे किसी को कोई चीज़ नहीं मिली तो यहाँ पर आएँ, यहाँ पर इन्जॉय करें और सिंध कल्चर को प्रमोट करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमसे जितना हुआ हमने दिखाया, अभी हम आगे जा रहे हैं घर की तरफ। अच्छा भी अभी जो ना हम लोग घर पर आए हैं, और जो ना क्या बोलते हैं लेट हो गया, आज मगरिब हो गई है, उनके पास नहीं जा पाया, तो अभी मैं जाता हूँ उनके दाने भी लेने हैं, सब कुछ लेने हैं, तो सीधा अभी मैं वहाँ पर जा, अभी मैं घर पर आया हूँ, सिर्फ पानी पी के जा रहा हूँ। हम लोग गए थे उधर, मुझे लगा आधा घंटा लगेगा, लेकिन फेस्टिवल के चक्कर में ना बहुत टाइम निकल गया, तो बस मैं फटाफट वहाँ पर जो ना मैं सितारा लोग घर पर आ चुका हूँ। और आज मैं सबसे पहले जो ना पानी की मोटर चला देता हूँ, क्योंकि ऊपर जो ना पानी नहीं होगा, मुझे हर जगह पर पानी देना है, और दाने भी मैं ले आया था। ते हैं और सबसे पहले बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, तो ऊपर चलते हैं। और जो ना ऊपर की तरफ कोई लाइट भी नहीं है, तो ये ऐसे होते हैं, ये लोग कहाँ गए, सब हैं भी सही है नहीं ये। अच्छा ये यहाँ पर बैठे हुए हैं बेचारे, सॉरी सॉरी आज मैं लेट हो गया, बहुत ज़्यादा लेट हो गया। अच्छा यहाँ पर जो ना मैं इनको जो ना दाने डाल देता हूँ, सबसे पहले जो ना इनको दाने डाल देता हूँ। मोटू अंकल सॉरी आज मैं लेट हो गया, रोज़ हम लोग आते हैं थोड़ी मजाक करते हैं सब कुछ करते हैं, तो आज मैं लेट आया, नाराज़ हो या नहीं हो, इधर आओ, अभी नहीं आज नहीं आएगा। हुई 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 कुछ दिख रहा है, लगता है अंडा भी पड़ा हुआ है तो। वाह भाई आज तो बैक टू बैक आपने सेंचुरी मार दी, चाइनीज़ आंटी ने मारी है किसने मारी अभी ये नहीं पता ना, तो इन दोनों में से किसी ने किसी ने सेंचुरी मारी है। एक अंडा आज और भी है, कल भी लेके गया था, एक और भी लेके जाऊँगा। थैंक यू चाइनीज़ आंटी, एग तो हमने उठा लिया हमारा अपना, और अभी जो ना मैं खाता ही रहूँगा, क्योंकि अभी भी ये लोग जो ना लेट हो रहे हैं, शायद भी इस हफ्ते आना था वो भी अभी कुछ और, पहले एक हफ्ता लेट हो गया, अभी और भी लेट हो गए, तो अभी मैं जो ना इन लोगों ने अंडे देने भी शुरू कर दिए, तो मैं अंडे आके लेता रहूँगा यहाँ से, वो अभी वैसे भी लेट हो रहे हैं दिन ब दिन। तो अभी इनको पानी पिलाते हैं, फिर इनको अल्लाह हाफिज़ बोलते हैं, बहुत ज़्यादा हैं तो इनको जो ना पानी देना ज़रूरी है, भले रात के टाइम भी हो जाए, लेकिन ये देख रहे हैं अंदर सारा ग्रीन हो गया, ये नीचे से भी आज लेकिन सूखा हुआ है, क्योंकि मैंने इनको पानी नहीं देता, लेकिन पानी मैं इनको देता हूँ, इसके अंदर भी थोड़े थोड़े ग्रीन होना शुरू हो गए हैं, तो इनको पानी देना डेली ज़रूरी है। तो मोटू अंकल मोटी चाइनीज़ आंटी सब जो ना सॉरी आज के लिए, और फिर कल मिलते हैं। और नीचे गेट पर कुछ लोग आए हुए हैं मिलने के लिए, पता नहीं कौन आए हुए हैं, हालांकि घर तो बंद होता है, फिर भी नीचे जो ना बेल पर बेल मारे जा रहा है कोई, मैं जाके देखता हूँ। देखो मिल गए हैं, वाह खैर है, ऊपर से पैसे क्यों फेंक रहे थे नीचे खड़ा हुआ। अच्छा चलो तो आज मैं लेट हुआ, लेकिन देखते ना हर चीज़ जो ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अभी जैसे ही मैं वहाँ पर था, वो बोल रहे हैं अभी तकरीबन 10-15 मिनट पहले ना उनके ना वो ऊपर से वो डब्बी गिरी थी, उसके अंदर सारे उनके पैसे थे, बच्चों ने फेंके, वो कब से परेशान हुए थे। तो मैं गया, मैं लॉक खोला, उनको किसी को पता चला, फिर वो सब आए और उनको वो डब्बी मिल गई, उसके अंदर पैसे भी थे, तो इसीलिए शायद मैं लेट हो गया। तो जो भी होते हैं अच्छे के लिए होते हैं इंसान को। ये आपा ने ये कोई रेसिपी बना रही थी हमजा जान ट्राई करेंगे, हमजा ले आओ अभी खाओ, दिखाओ कैसे क्या हुआ, खट्टा है खाओ, नहीं इसके अंदर डुबो के खाओ, नहीं इसके अंदर डुबा के खाओ, आप खाओ, मजे वाली है
हाँ हम ले जाओ फिर अगर तुम्हें अच्छी लगे तो। चाचा मिठाई लेकर आए चाची के आने की खुशी में। चाचा चाची के आने की खुशी में मिठाई ले आए हैं। बिल्कुल मिठाई ले आया। मिठाई भी बहुत अच्छी वाली है। हाँ एक बार उठाता हूँ, हाथ में कैमरा है ना, नहीं उठा पाऊंगा, बाद में उठा लेता हूँ। बहुत शुक्रिया चाचा। देखो मिठाई खुशी देखो चाचा की, चाची के आने के चक्कर में यार क्या हो रहा है। हम अभी जो ना पढ़ाई कर रहे हैं, देखिए कलर भी कर रहे हैं, इसकी बुक्स भी पढ़ी हुई। चलो ये अच्छा है, पढ़ाई में आगे ना। अभी ये सारा दिन बुक्स के साथ लगे रहते हैं, खेलते रहते हैं, खेलते भी रहते हैं और पढ़ते भी रहते हैं। ये देखें ये कुछ इस तरह से लिख रहे हैं तो अच्छा है। और ये अभी क्या पेंसिल तराश रहे हो? शॉर्पनर कर रहे हो? अच्छा तो भाई अभी शॉर्पनर कर रहे तो इससे इसकी पेंसिल तराश हो जाएगी। वाह किसने किए? हाँ फादिया कर रही है माशाल्लाह। देखो कितने प्यारे कलर कर दिए ना। मैं कितने अच्छे करता हूँ कलर। तुम करोगे तो अच्छे लगेंगे ना। कहाँ किए आपने? मैं अच्छा करता हूँ तो करो ना। ये जाओ उसके ऊपर करो, करो करो। मैं करूँगा ठीक करो। ये आपका है ठीक है, इसके ऊपर कलर करो ठीक है। इन सब के अंदर अलग अलग से कलर करने हैं ठीक है। अच्छे से करना ठीक है। अच्छा रुक जाओ, मम्मा आ रही है, वो आपको बताएगी कैसे करना है ठीक है। नहीं नहीं मुझे पता है। आपको पता है? पता है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 8 6 7। तुम पहले आप जो ना सबसे पहले जो ना 8 में करो, 8 यहाँ पर है ठीक है। इसके गोल दायरे के अंदर ना सारा ब्राउन कलर करो। ये ब्लू लिखा हुआ है। हाँ आप इसमें करो, पहले इसमें करो, 8 में करो ब्राउन कलर पूरा, इसको पूरे को भर दो। हाँ हाँ करो इसके अंदर। हाँ ऐसे करो 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 और करो। हाँ ऐसे करते रहो। हाँ इसको पूरा भर दो ऐसे कलर के साथ ठीक है। किया था ये? जी हाँ जी बोल के ये देखो, ये भी हमजा ने किया था। मम्मा हाँ जी मम्मा ये भी आपने किया। मम्मा मीर क्या कर रहे हो? मीर भाई अभी सो रहे हैं सुकून से, ये देखें। चलो ठीक है सो जाओ बस बस। अभी काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई ऐसे ये परफॉर्मेंस का बताओ, तो भाई मैं इसका क्या बताऊँ। हम लोग जिस दिन से लेकर आए ना, हमारे घर के जो है इसकी वायरिंग है सारी पुरानी ना, तो पहले दिन ये जल गया है। इनकी पतली पतली तारियाँ पुराने दौर का बना हुआ है। फिर दूसरे दिन बाहर से लगाई थी, वहाँ से भी जल गया, तो इसको हम सही से चला भी नहीं पाए। लेकिन एक दिन पूरा चलाया था, तो पूरा चलाया था ना उस दिन इसने अल्हम्दुलिल्लाह से कूलिंग अच्छी की थी। अभी भी चलता है, लेकिन जो मसला ना हमारे घर की वायरिंग का, हमारे घर में बिजली की वायरिंग ना बहुत पुरानी है, और जो ना एसी अगर दो चलते तो फिर नहीं उठा पाते। वो दिल भर भाई का छोटा है वो चल जाता है, मेरा चलता है फिर कोई ना कोई बोर्ड चल जाता है। तो ऐसा है कि यहाँ पर बिजली ना बहुत, जो इलेक्ट्रॉनिक की जो तारें हैं ना बहुत पतली पतली हैं, तो इस वजह से। बाकी हमारा कमरा 10x12 के, तो इसके हिसाब से कूलिंग अच्छी करता है। मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई आप उसके बारे में बताओ, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो भाई आप ले सकते हैं अगर आपको लेना है तो। बाकी इसकी कूलिंग ऐसी है कि कमरे को ठंडा कर देता है, बाकी वो जैसे बड़े कूलर एसी होते हैं ना वैसी नहीं है, बाकी नॉर्मल जैसे होता ना सही है बस। तो मतलब आपको ठंडा ठंडक फील कराता है, और आप हल्का सा कपड़ा भी ओढ़ोगे जब इसको चलाओगे, तो वो जैसे बड़े एसी करते हैं वैसे नहीं बस, लेकिन फिर भी अच्छा है, इसकी बिजली का बिल भी कम आता है। दुआ दुआ अभी उठी हो नींद से? वी भाई दुआ अभी उठ के आई है, इसके बाल भी उठे हुए हैं ये देखो साइडों से ना वी, लेकिन माशाल्लाह अच्छी है। जैसी उठती ना हंसती आती है हमारी बेटी, सिर्फ एक यही है जो हंसती हुई आती है। ठीक है ठीक है, बाय बाय। नहीं हमजा भी नहीं रहता, वो उधर होती है। यहीं पर एंड करते हैं, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और एक बात और कि माऊ कहाँ चलेगी? माऊ यहीं पर ही है, मैं आपको दिखाता हूँ। माऊ माऊ छोटा माऊ, ये रहा माऊ। माऊ भाई यहीं पर ही है। अभी माऊ जो ना कहीं नहीं गई, वो उसको मैंने आपको दिखाया भी था कि उसको नैना ले गई। अभी वो नैना के घर पर रहती है, नैना उसकी ख्याल रखती है सब कुछ, तो नैना के पास चली गई है माऊ। माऊ अभी ठीक है, खुश है, खुशहाल है अल्हम्दुलिल्लाह से। ठीक है भाई दुआ दे देखो। चलो सब कल हाफिज़ बोल दो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।